मतलब प्रैंक हो गया ना कि साहिल ने रूम से लाई मैगी, हमने जो बना कर लाई थी ना वो टिफिन सारे के सारे वो उधर ही छोड़ के आ गया। क्या पहनी हुई है इसने भी लिया है, कितनी सुंदर हैट ली है, यूनिक तरीका देख लो, मतलब कितनी अच्छी कटोरी है। ये देखो ये दो हमारे पास, ये दो आ गए ना, इनमें बाकी वाले छोटे छोटे पैन में मैगी डाली हुई है। देखो ये वाली ले ले, उसका पैन अलग से, जैसे वो होता है ना। सो गाइज ये पीछे लोकेशन देख कर ना आपको पता लग गया होगा कि हम कौन सी जगह। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, नए डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे पहुँच के आपको बताएंगे कि हाँ भाई कौन सा एरिया कैसा है, क्या आपको कैसा लगेगा, कमेंट और शेयर करना। और साथ में ये छोटी पार्टी तैयार हो गई है, ये सारे तैयार हो गए हैं। ये है मिस्टर मोक्षवीर, ये है राजवीर, और ये है रेंचवीर, और इनके पापा अजय कुमार, तो बाकी ये है मेरे छोटे भाई रोहित जी। तो मैं चाहूंगा कि इनके साथ आपका अच्छा ब्लॉग बना, ब्लॉग का जो सिस्टम है वो अच्छा से चलता रहे। तो कोशिश यही रहेगी आपको अच्छे से अच्छी डेस्टिनेशन दिखाए। तो नेक्स्ट मिलते हैं यहाँ से निकलते समय गेट के ऊपर। चलो ठीक, थैंक्स। पीछे गाड़ी के पास पहुँचा है, गाड़ी हमारे बीच में सेंटर में फंसी हुई है, उसके पीछे बाइक्स लगी हुई हैं और ये सारी गाड़ी इधर लग गई है, और सभी नीचे आ रहे हैं, बस दीदी और भैया आ गए ऊपर, वो भी आ रहे हैं, और हम सामान वगैरह सारा कुछ नीचे लेकर आ गए। आज जो व्लॉग है ना भैया ने शुरू किया ना, हाँ। इनके पापा ने व्लॉग शुरू किया है, तो आगे का मैं आपको दिखाता हूँ। कल कितनी तेज़ बारिश हो रही थी और आज जो है ना बारिश बिल्कुल रुक गई है, और मौसम मतलब बीच बीच में साफ भी है, बादल अभी भी हैं, चांसेस है बारिश आने के। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का व्यू आज का, ठीक है। कल तो बारिश थी, कल का आपने देख लिया होगा पिछले व्लॉग में, और आज का दिखाता हूँ। भैया भी आगे नीचे, और हमने यहाँ पर निकाल के बैक करके लगा दिया, गेट खोल दिया है, अब बस यहाँ से हमने निकलना है ना। और ये देखो ये भी आ गए, सबसे जल्दी ये तैयार हुए थे आज। फ्रेंड्स अभी हम पहुंचे हैं श्रीनगर बारामूला हाईवे, और आज भैया को हमने पीछे बैठाया हुआ है, पीछे बैठाया हुआ नहीं है, ये भैया पीछे बैठे हुए हैं, नहीं आज बिठाया हुआ, हमने खुद बिठाया आज आगे रोज चलाते थे गाड़ी, आज साहिल को दिए गाड़ी चलाने के लिए, और अंशु मेरी गोदे बैठा हुआ है। मोक्ष कहाँ पे है? मैं यहाँ हूँ। दिख नहीं रहा ना? हाँ अब दिख गया। कहाँ जा रहे हैं हम? कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं, ये खुद बताएंगे देखने वाले, ठीक है, देखने वाले खुद बताएंगे। भैया ने पहले बोला होगा देखने वाले खुद बताएंगे, सही बात है ना। हाँ या आइसक्रीम देख लो, नई वाली आइसक्रीम, छोटी छोटी डब्बी है, अब अंशु रह गया ना। कैसी टेस्टी है, कैसी है, टेस्टी है नहीं? हाँ, तो अभी हमने गाड़ी साइड पे लगाई है, पहले खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं यहाँ से, खाते हुए रिस्क लेना। सो गाइज ये पीछे लोकेशन देख कर ना आपको पता लग गया होगा कि हम कौन सी जगह पहुँचे हैं। ये देखो ये फ्लावर देख कर मतलब आपने गैस कर लिया होगा हम कौन सी जगह पे हैं।
और हम आए हैं आज घूमने के लिए। हमने पहले तो लोकेशन नहीं बताई थी, तो अब बता रहा हूँ। हम आए हैं गुलमर्ग घूमने के लिए, और पीछे के जो ब्यूटी है ना, अब गुलमर्ग है तो आपको पता है, गुलमर्ग को मीडो ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावर है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और मेरे पीछे देखो, हमारे साथ अभी इतना बड़ा मतलब प्रैंक हो गया ना कि साहिल ने रूम से लाई मैगी, हमने जो बना कर लाई थी ना, वो टिफिन सारे के सारे वो उधर ही छोड़ के आ गया। तो हमने यही सोचा कि इसने गाड़ी में रख दी है, पर इसने गाड़ी में मैगी नहीं रखी। तो हमारे साथ ना बहुत बड़ा प्रैंक हो गया आज। तो मैगी नहीं लाई, तो मतलब यह है कि अब सिर्फ जूस और स्नैक्स के ही काम चलेगा। बाकी इधर देखते हैं कि होटल वगैरह मिलता है अगर, तो अच्छी सी मैगी बनाकर खा लेंगे। और मेरे पीछे का जो व्यू है ना भाई, क्या कमाल का व्यू है। मैं दिखाता हूँ आपको, हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है और फिर देखते हैं ये सारे क्या कर रहे हैं। क्या सारे यहाँ पर खड़े हैं गाड़ी पार्किंग पे, यहाँ पर रखी है, मैगी ढूंढ रहे हैं। मैगी घूम गई है ना, मैगी घूम गई। तो अरे देखो, ये फुटबॉल निकाला है, फुटबॉल खेल रहे हैं। भाई इधर ला, मेरे पास ला, फुटबॉल खेल रहे हैं अब सारे। ठंड है यहाँ पे, वैसे इतनी ठंड नहीं है, थोड़ी अभी लगेगी, कुछ नहीं, नॉर्मल है ये। और ये देखो कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, एकदम ब्यूटीफुल व्यू। और आप देख सकते हो पीछे काफी ज्यादा है। वो देखो सामने पार्किंग वाला एरिया है, इस तरफ से इधर देखो। और देखो कुत्ते बैठे हुए यहाँ पर, और ये देखो फुटबॉल चल रही है। निकाली है ब्लू कलर, अब इसके ऊपर बैठेंगे सारे, जितना भी है सारा लेके आओ इधर, वो ले आओ, इधर इधर ले आओ। और ये देखो कुरकुरे, लेज और चिप्स, जूस, सब कुछ। और मैगी घर रह गई, उसका अफसोस रह गया, अब वो नहीं लाई। कुछ नहीं, यहाँ पे होटल में बनवा लेंगे हम। वो देखो ला, बाकी लोग भी आए हैं नीचे खा रहे हैं। फाइनली हमारी स्नैक पार्टी कंप्लीट, और ये जो सामान वगैरह पैकिंग शुरू हो गया। तो सबने स्वेटर लगा ली यहाँ पर, क्योंकि ठंड शुरू हो गया। एक मैंने नहीं लगाई, साहिल ने नहीं लगाई, वो अंशु ने नहीं लगाई, अंशु ने स्वेटर नहीं लगाई। और ये साहिल फोल्ड कर रहा, फोल्ड करके डालेगा गाड़ी में, फिर हम करेंगे डांस। यहाँ पे डीजे बजेगा आज। कौन सा गाना डांस करोगे, जो अच्छा लगेगा ना? हाँ, तो चलेगा डांस। और फिर डांस करने के बाद फिर और भी काफ़ी खूबसूरत एरिया यहाँ पर आपको घुमाएंगे, अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे यहाँ पे, और अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे। तो चलो लगाते हैं गाना और फिर शुरू करते हैं डांस। हमारा डांस एंजॉय करो, हम डांस करने लगे, ठीक है? अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक टेंपल है ये ऊपर, वहाँ जा रहे हैं। और पीछे काफ़ी ज़्यादा जाम था, तो जाम में फंसे हुए थे। तो अभी आके गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग लगाई है। चश्मा लगा लो, मेरा चश्मा रह गया पीछे, वो लेके आ रहा है। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, और ये है सीढ़ियाँ, अभी दिखाता हूँ आगे मंदिर का रास्ता। तो बाकी भैया आ रहे हैं गाड़ी पार्किंग करके।
है शिव मंदिर, और अभी हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। ये देखो इस तरह की लोकेशन है यहाँ की, है मंदिर के सामने का व्यू, और वो रहे होटल वगैरह जहाँ पर लोग रहते हैं, ये छोटी सी पार्किंग, वो सामने पार्किंग का एरिया, सारा पार्किंग का एरिया है। ये देखो पूछे वो सामने गंडोला वाला एरिया, वहाँ हम इस बार नहीं गए, पिछली बार मैं गया था गंडोले बैठा था, वो सामने देखो बर्फ, ये देखो बर्फ पड़ी हुई है सामने, और ये देखो ये था मंदिर का व्यू, अंदर से भी काफ़ी अच्छा है। हम अंदर गए थे, माथा वगैरह टेका अंदर जाके, शिवलिंग है, शिव मंदिर है ये, और यहाँ का व्यू जो हम मंदिर से ना वापस जा रहे हैं, और ये रहा साहिल, मैंने इसको बड़ा तंग किया आज, फोटो शूट के लिए किया नहीं किया, लड़कियां भी शादी वाले दिन तंग नहीं करती जितना इसने आज मुझे तंग किया फोटो शूट के लिए, बस फोटो। और वो देखो यार कितना खूबसूरत नजारा, देखो बादल हट गए, ऊपर से बर्फ पड़ी हुई सामने, देखो सामने पहाड़ में, वो सामने गंडोले वाला रास्ता भी है। पिछली बार हम गए थे, मैं साहिल थे ना, इस बार हम नहीं गए क्योंकि छोटे बच्चे साथ थे ना, फिर जिद करते हैं तो डर लगता है इनको, तो इसलिए हम इनको साथ नहीं लेके गए। और यहाँ पर देखो शॉल खरीदे जा रहे हैं, और कुछ पसंद भी आया नहीं आया शॉल, जिसको खरीदने खरीदो। ये देखो शॉल है, सूट है, सब कुछ है, और लेना आपको पसंद आया कुछ नहीं आया पसंद। यहाँ पर रुके हैं मैगी खाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में मैगी थी ना, तो इसलिए ये है द गुलमर्ग कैफेटेरिया, आई लव गुलमर्ग, और ये माउंटेन कैफेटेरिया, यहाँ पर हम मैगी खाने लगे हैं, मैगी के लिए बोला हुआ है। तो देखो काफ़ी सुंदर प्लेस है ये, नाइट के लिए जो रखा हुआ वाटरफॉल वगैरह, और अभी हम चलते हैं अंदर सीधा, मैगी बन रही है। ओए क्या क्या खाना बैठा है यहाँ पे, कौन कौन सी है, मसाला मैगी, प्लेन मैगी है, वेज मैगी, बटर मैगी, नहीं मसाला मैगी, और ये देखो आए हाय अंशु हमारा टाइगर कहाँ बैठा हुआ है, बड़े सोफे में बैठा हुआ है टाइगर, है ना टाइगर बड़े बैठा हुआ है। और ये देखो ये इस तरह कुछ कैफे है जहाँ पर हम बैठे हैं, और कौन सी खानी है बताओ ना यार, देखते कौन सी खानी है, यूनिक तरीका देख लो, मतलब कितनी अच्छी कटोरी है। ये देखो ये दो हमारे पास, ये दो आ गए ना, इनमें बाकी वाले छोटे छोटे पैन में मैगी डाली हुई है, देखो ये वाली ले ले, उसका पैन अलग से जैसे वो होता है ना ट्रे, और ये देखो ट्रे टाइप मुझे खुली, और ये सारे बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे मैगी। और ये देखो ना ये शुरू भी हो गया, पूछता है नहीं बंदे को यार, पूछ लिया अगर ये मेरी है, आए दूंगे मैं खाते हैं। हमने अब मैगी तो खा ली, लेकिन मैगी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, कसम से मैं बोलता हूँ कि रजौरी के मुकाबले में ना तो एक क्लास थी, कुछ नहीं बनाते कसम से, रजौरी वाला कुछ नहीं बनाते, यहाँ खाओ मैगी, एक क्लास मैगी बनाई है ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं गुलमर्ग, वो जो है ना लिखा हुआ आई लव गुलमर्ग, वहाँ पे थोड़े से फोटो क्लिक करने दो थी, और वहाँ से क्लिक करने के बाद फिर आते हैं, और बाकी आ रहे पीछे फिर चलते हैं ठीक है। सो गाइस हम यहाँ वापस जा रहे हैं, और देखो मेरी राजवी की कैप पहनी हुई है, इसने अभी ली है, कितनी सुंदर हैट ली है इसने, देखा अरे मैंने नहीं तोड़ी, कितनी जच रही है ना, बोलो नहीं जच रही है, मजा आया सबको, नहीं जच रही है, अच्छा मजा आया, मुझे बताओ गुलमर्ग मजा आया घूमने का, हाँ, बहुत ज्यादा, आप मेरी हाथ दो, ठीक है लगाओ आप खुद लगाओ, मुझे अच्छी लग रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी, अच्छा कमेंट में बता देना किसको अच्छी लग रही, ठीक है। फाइनली हम गुलमर्ग से निकल आए हैं, और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है ये पीछे, और यहाँ पर काफ़ी सुंदर फूल थे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फूल थे, और यहाँ पर हम खड़े हैं फोटो शूट करने के लिए, क्योंकि हम थोड़े से फोटो और शूट करेंगे, रील्स बनाएंगे। वो देखो पीछे फोटो शूट चल रहा है, और पीछे देख सकते हो यार क्या खूबसूरत नज़ारा है, मतलब एकदम सच में जन्नत में हम आए हुए हैं, और वापस जा रहे हैं। तो ये देखो
क्या नजारा है यार, ये देखो एकदम ऑसम ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ से जाने का ना मन नहीं करता, तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से पूरा व्यू, ठीक है, सिनेमैटिक वे में दिखाऊंगा पूरे फ्लावर्स वगैरह। जस्ट अभी अभी 5 मिनट पहले ही हम अपने रूम में पहुंचे हैं और टाइम हो गया है पूरे 8 और 8 बजे हम गुलमर्ग से यहाँ पहुंचे हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा और आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं और इसको एंड करते हैं, और आई होप कि आप आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और आगे जो व्लॉग आने वाले हैं वो भी ऐसे ही देखते रहेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना, ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे और वीडियो बनाएंगे। तो चलो इसी खुशी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।